अगर सेल्स नहीं है तो बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन यूनिट भी फेल हो जाती है फरवरी मार्च और अप्रैल सेल्स का वॉल्यूम बहुत हाई होगा कम खर्चे में ज्यादा ग्राहक ला सकते हैं पूरे भारत वर्ष से हजारों लोगों ने वीडियो को देखा और लगभग अट्ठाईस तीस हजार लोगों ने मैं आपको बताता हूँ बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने के तरीके क्योंकि देखिए पूरे विश्व में कोई भी कंपनी कोई भी कॉरपोरेट कोई भी इंडस्ट्री हो उसकी ग्रोथ केवल एक चीज पर निर्भर करती है और वो है सेल्स अगर बिजनेस में सेल है तो सेल्स में डेवलपमेंट होगा जब सेल्स की ग्रोथ होगी तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिवेन्यू बढ़ेगा रिवेन्यू बढ़ेगा तो कम खर्चों में ज्यादा पैसा आपके पास आएगा जब ज्यादा पैसा आपके पास आएगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस ग्रोथ होगी चाहे मैं हूं आप हैं या कोई भी व्यक्ति है उसका व्यापार जिस पिलर पर खड़ा है उस पिलर को बोलते हैं हम सेल्स का पिलर अगर सेल्स है तो बिजनेस की ग्रोथ है अगर सेल्स नहीं है तो बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन यूनिट भी फेल हो जाती है आज मैं आपको बताने वाला हूं वो केवल और केवल वही तरीके हैं जिसको मैंने अपनी छोटी सी फर्म में लगाया और उसको मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी बनाया एक छोटे से शोरूम से एक्सपेंशन करके नंबर ऑफ शोरूम बनाए उसमें सबसे पहला जो मेथड है कमीशन एजेंट भारत जैसे देश में जहां युवा बेरोजगार हैं वहां सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सेल्स एजेंट बनाने की यदि आप अपने व्यापार में सेल्स एजेंट या कमीशन एजेंट बना सकते हैं तो वो राइट तरीका है आपके बिजनेस में सेल्स के वॉल्यूम को लाने का अब तरीका क्या है आप ही की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं पर आप अपनी इंडस्ट्री में सोचते नहीं कमीशन एजेंट बनाने की मैंने मेरी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड में लॉकडाउन के टाइम पर उनतीस हजार एसोसिएट बनाए क्योंकि मुझे यह पता चला कि लॉकडाउन में सब घर में पड़े हैं इस समय लोगों के पास जॉब नहीं है अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी दूं कि बिना किसी कॉस्ट के जीरो कॉस्ट पर मेरी कंपनी के सेल्स एजेंट बन जाओ अब सामने वाले व्यक्ति के मन में एक प्रश्न है कि मैं सेल लाऊंगा कहां से तो हमने उनको एक स्टेटमेंट दी यदि आप अपने जीवन में अपार पैसा कमाना चाहते हैं वो भी बिना निवेश के तो आप अपने आसपास देखिए घर मकान बंगलो कोठी फार्म हाउस या तो नए बन रहे हैं या रिनोवेशन हो रहे हैं और उन सभी में मॉडलों किचन की रिक्वायरमेंट है उनका नाम नंबर हमें शेयर कीजिए हमारी सेल्स टीम उनसे डील करेगी यदि डील होती है तो सेल्स इंसेंटिव आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब ये वीडियो हमने बनाया तो पूरे भारतवर्ष से हजारों लोगों ने वीडियो को देखा और लगभग अट्ठाईस तीस हजार लोगों ने हमारे पास रजिस्टर किया और वो रेगुलर अपडेट कर देते थे कि सर मेरी गली में मेरा एक पड़ोसी का मकान बन रहा है तो सेल्स में कमीशन एजेंट बनाना दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है जहां पर कोई व्यक्ति बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपके लिए काम करने के लिए तैयार है लीड जनरेट करने के लिए तैयार है अपनी कंपनी और अपने बिजनेस में सेल्स एजेंट बनाए और गुजरात तो इस चीज के लिए फेमस है सर गुजरातियों का एक मेरे को फंडामेंटल बड़ा अच्छा लगता है वो जानते हैं कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो जिसके पास पैसा है उसको बिजनेस पार्टनर बनाओ जिसके पास काम करने की क्षमता है उसको वर्किंग पार्टनर बनाओ और जब वर्किंग पार्टनर आएंगे तो मिलकर जब काम करेंगे तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा हम सबसे ज़्यादा शोरूम का जो बिजनेस गुजरात में करते हैं सूरत में गांधीनगर में वडोदरा में आपके राजकोट में वो सबसे ज़्यादा शोरूम्स के साथ मिलकर करते हैं जो कि हमारे वर्किंग पार्टनर है ये मैंने सीखा भी यहीं से था वो कह रहे डिस्प्ले नहीं लगाएंगे वर्किंग पार्टनर बन जाते हैं आपको डील देंगे आप डील करो तो ठीक है मतलब मेरे लिए कमीशन एजेंट रिड्यूस कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यदि आप कम खर्चे में ज्यादा ग्राहक ला सकते हैं तो जीत आपकी होगी क्योंकि जितना मार्केटिंग में खर्चा कम करें कम बजट पे करें कम खर्चे में जितना ज्यादा लीड जनरेट हो वो उतना ज्यादा बिजनेस के लिए बेहतर होगा अब तरीका क्या है होर्डिंग लगाने में बोर्ड लगाने में पोस्टर लगाने में बहुत पैसा खर्च होता है आप यहां पर अगर होर्डिंग लगाएं तो एक होर्डिंग की कॉस्ट कम से कम दो हजार रुपए होगी और जो प्रोग्राम स्पॉन्सर पैसे लेंगे वो अलग वरना तो तो कोई भी आके लगा होर्डिंग तो तरीका क्या है यूज योर सोशल मीडिया पावर फेसबुक लिंक इन ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब यह पांच ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करें और जितनी ज्यादा बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक आपके बिजनेस की पहुंचेगी और उतना ज्यादा सेल्स वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा लीड जनरेट यदि आप कर सकते हैं तो सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब जैसे सेल्स कमीशन एजेंट काम करते हैं ना वैसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है जैसे आपके पास बजट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाने का तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करो कि हम कमीशन पर काम करते हैं आप मेरे लिए परफॉर्मेंस करो उससे जो लीड जनरेट होंगी उसका जो कन्वर्जन होगा उसमें शेयरिंग कर लेंगे ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है अगर मान लो आपका प्रोडक्ट कोई हज़ार दो हज़ार पंद्रह हज़ार का है तो वो डिजिटल मार्केटर आपके साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करेगा अगर आपका प्रोडक्ट दो लाख चार लाख पांच लाख पचास लाख एक करोड़ रुपये तक का है तो वो कहेगा यार एक डील भी हो गई ना मेरी तीन महीने की मार्केटिंग में तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक राइट तरीका है कस्टमर रिटेंशन आपके बिजनेस में जो आपका कस्टमर है अगर मारवाड़ी व्यापारी बोलूं तो कहता है धंधे में पैसा आया माल गया राम राम जय राम लेकिन जो लोग अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं रेगुलर रिकॉल करते हैं उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने कस्टमर को रिटेन रखते हैं एंटरटेन रखते हैं नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज से इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं तो उनके पास रीसेल जनरेट होती है और उस सेल्स के लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा विज्ञापन पर नहीं खर्च किया तो कस्टमर रिटेंशन बहुत जरूरी है क्रिएट रैकरिंग डिमांड आपके प्रोडक्ट की डिमांड रैकरिंग होनी चाहिए बहुत सारे लोगों से मैंने एक सवाल पूछा कि आपका कंज्यूमर आपसे एक बार माल खरीदता है या बार बार तो किरियाना स्टोर वाले ने कहा वो तो हर महीने राशन खरीदता है एक बी टू बी वाले ने कहा रॉ मटेरियल हर महीने खरीदता है मैंने कहा वो कब खरीदता है क्या जब उसको जरूरत होती है वो अपने आप कांटेक्ट करता है मैंने कहा आप एक सिस्टम बनाइए और देखिए कि आपका कौन कौन सा बायर कब कब डिमांड जनरेट कर रहा है और उसके आधार पर खुद उसे कॉल कीजिए कि सर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा प्लीज बताएं कि आपको फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है केवल डेटा मेंटेन करने से ही एक व्यक्ति अपनी सेल को वन टाइम सेल एक्स्ट्रा कर सकता है उदाहरण बताता हूं मान लीजिए जिस सेलर को आप माल जिस बायर को माल दे रहे हैं वो हर महीने एक बार सेल लेता है आपसे माल खरीदता है और वो थोड़ा लेजी है महीने का एंड आते आते वो आपको ऑर्डर देने में दस दिन लेट कर देता है तो पूरे साल में जहां आप बारह सेल कर सकते थे आपकी सेवल केवल ग्यारह रह जाती हैं या दस रह जाती हैं लेकिन यदि आप उसका फॉलोअप करते हैं सर स्टॉक खत्म होने वाला है नेक्स्ट स्टॉक भेज दूँ वो कहेगा नहीं अभी तो दस परसेंट बचा हुआ है आगे तीन महीने तक मेटेरियल की शॉर्टेज होने वाली है सर वो कहेगा कोई बात नहीं इस बार फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा भेज दो मेरा विश्वास है और मैं ऐसा करता हूँ हम दिवाली के समय पर हमें पता है सेल घट जाएगी हमें पता है दिवाली के समय पर कोई किसी कोई कारपेंटर इंटीरियर डिजाइनर को घर में नहीं घुसने देता बाहर निकालते हैं सफ़ेदी वाले को भी निकालो सभी को बाहर करो हमें पता है सेल्स कम आएगी तो हम क्या करते हैं हम दिवाली के समय पर स्कीम निकाल देते हैं इंस्टॉल योर किचन गेट माइक्रोवेव एन एवन फ्री या हमने डीलर को कहा अगर इस महीने में दस सेल की बुकिंग हो गई तो आपको हम एक, एक लाख रुपए की स्कूटी दे देंगे या डेढ़ लाख रुपए की बुलेट दे देंगे तो विश्वास माने हमारा जो शोरूम है या डीलर है वो पता है क्या करता है बिना ऑर्डर होते हुए भी वो ऑर्डर डाल देता है मान लो उसके पास छः ऑर्डर हैं, तो चार ऑर्डर का एडवांस अपने पास से डाल के डेढ़ लाख रुपए की बुलेट ले लेता है वो ये सोचता है कि मैंने अपना प्रॉफिट कर लिया सच में कर लिया पर हमने जो दो महीने में सेल नहीं होनी वो सेल भी पहले ही ग्रैप कर ली और अगर हमने उसको डेढ़ लाख की बुलेट दे भी दी तो हमारे प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट और इतना बड़ा वॉल्यूम है कि हमें अगले तीन महीने की सेल एडवांस में मिल जाती है और तीन महीने का ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखूँ तो मेरे एक शोरूम का लगभग सोलह लाख रुपये महीने का ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो सोलह ती अड़तालीस लाख रुपये बचाकर मैं सारे शोरूम डीलर्स को एक्स्ट्रा माल एडवांस में बुक करके पैसा इकट्ठा करके और बिजनेस को मैनेज कर लेता हूं जर्मन कंपनीज इसी स्ट्रेटेजी को अपनाती हैं जितनी भी ये सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो जर्मन में डेवलप होती है और हम इंडियंस या तो डिस्काउंट को पकड़ते हैं या क्लाइंट को पकड़ते हैं स्कीम्स पर काम नहीं करते में से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस नई नई स्कीम लेके आते हैं कि ज्यादा माल खरीदने पर टेन परसेंट डिस्काउंट विश्वास मानिए जिस समय अर्थव्यवस्था में मंदी होती है उस समय पर डिस्काउंट देने के बाद भी माल नहीं बिकता जर्मन डिस्काउंट नहीं देते वो स्कीम देते हैं कारण उसका बताता हूं आपको क्यों देते हैं हमारी इंडस्ट्री में जर्मन कंपनी हैटिक को यह पता है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल सेल्स का वॉल्यूम बहुत हाई होगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पाँच महीने उनका मेटेरियल नहीं बिकेगा क्योंकि लोग पिकनिक ट्रिप पे गए हैं कोई फैमिली के साथ कहीं गया हुआ है गर्मियों में लोग किसी को घुसने नहीं दे रहे घर में तो उस समय पर वो क्या करते हैं जिस समय बहुत ज़्यादा तेजी होती है जनवरी फरवरी मार्च बहुत तेजी है हर व्यापारी को लगता है भूल जाता है पिछले साल क्या हुआ था हर व्यापारी छोटा व्यापारी भूल जाता है पिछले साल क्या हुआ था कहता बहुत तेजी यार धमाकेदार काम है तो वो स्कीम लेके आते हैं कि सर आज के समय पर आप पाँच लाख का माल ले रहे हो सिर्फ दो दो लाख रुपए का एक्स्ट्रा माल ले लो अगले पाँच महीने तो हम आपको बैंकॉक का ट्रिप देंगे थाईलैंड का ट्रिप देंगे या जर्मनी का ट्रिप देंगे फाइव डेज नाइट स्टे और वहां अवार्ड फंक्शन है तो हमारे इलाके के जो डीलर्स हैं वो एक काम करते हैं क्या यार सेल तो इतनी बढ़िया है ही पांच लाख का माल तो बेच ही रहे दो लाख का तो और लेना है वो दो दो लाख रुपए करके पांच महीने तक का माल एडवांस में उनको चेप देते हैं मतलब दस लाख की सेल कर देते हैं अगर दस लाख की सेल पर जो उस समय पर नहीं होनी थी वो दस परसेंट डिस्काउंट भी देगा तो क्या कोई डीलर माल खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सेल है ही नहीं मार्केट में डिस्काउंट का करेंगे क्या मार्केट में बायर नहीं है डिस्काउंट का कोई फायदा नहीं है तो वो दो दो लाख की सेल देकर दस लाख की सेल कर देते हैं और एक लाख रुपए जो प्रॉफिट हो सकता था उसमें पैंतीस हजार रुपए का उनको एक ट्रिप दे देते हैं और वे लोग खुश हो जाते हैं तो जर्मन आर वेरी इंटेलिजेंट इन डिजाइनिंग स्कीम वो साइकोलॉजिकल स्कीम डिजाइन करते हैं और इंडिया में जो कंपनी जर्मन स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है वो आगे बढ़ती है